अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केयर हाल है, कसकाय, नमस्ते एंड वेलकम टू VOV17 प्रो प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 13 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। वेल फ्रेंड्स, देवोलीना भट्टाचार्य जी पागल थी, साइको थी, ये बात तो हम सब लोगों को पता थी। लेकिन गाइज, घर से निकलने के बाद जब वो वापस आई, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक ठाक हो गई है, उसका पागलपना दूर हो चुका है। पागल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अपने हाथों में छुरी ली थी, छुरी मारने की धमकी दी थी, पागलों जैसी हरकतें की थी, सिद्धार्थ शुक्ला पर फेक मीटू कैंपेन लगाने की धमकी दी थी। इसी कारणवश देवोलीना भट्टाचार्य जी के जो बिहेवियर था वो काफी अनप्रेडिक्टेबल था। एंड गाइस, उनकी जो रुचि थी स्पेशली संडास को लेके, यानी कि पॉटी को लेके, उसने सबको घिन और ऐसा उनको देखकर घिन आने लग गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग का इलाज हो चुका है, वो बराबर हो चुकी है। अब वो पॉटलीना नहीं रही है जो यहाँ पहले रहा करती थी, वो बाल कलाकार नहीं है जो पहले रहा करती थी, अब वो देवोलीना भट्टाचार्य जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पागल को बस उंगली करने की देरी है, एंड जब पागल को उंगली करो तो पागल वापस से अपनी असली रूप और रंग में आ जाता है। पागल इसलिए कह रहा हूं, बहुत लोग बोलेंगे औरत है उसे पागल बोल रहा है, क्यों भाई? जब औरत आदमी को हराम खोर, मगरमच्छ, आलसी बोले तो चलेगा? क्यों? आदमी बजने के लिए बैठा है यहां पे। आर मेन सिटिंग हियर टू बी वैक्ट, उनकी मजाक उड़ाने के लिए बैठे? नहीं ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि पागलपन को कोई सीमा नहीं होती, उंगली करने की देरी है, अंदर का पागल वापस बाहर आ जाता है। कल देवोलीना भट्टाचार्य जी को सब लोगों ने बोला कि तुम इस घर में सो रही हो, उन्होंने अपनी कबर खोद दिया। तुम्हें घर में सो रही हो, तुम्हें घर में दिखने रही हो, स्पेशली असीम। और बोल बेटा, असीम बोल रहा था मुझे ना इलाज उड़ा के देवोलीना भट्टाचार्य जी घर में कुछ कर। शुक्ला बोलता आई थिंक देवोलीना अभी घर में जैसे पहले थी वैसे नहीं, अभी काफी शांत हो चुकी है। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, इसमें कहावत क्या हुई है, आ देवोलीना मेरे पे पॉटी कर दे। वेल फ्रेंड्स, आज देवोलीना भट्टाचार्य जी ने क्लासिक एग्जाम्पल दिया है और साइकोटिक बिहेवियर इन द हाउस। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगा, आप ये बात सुनिए। एंड गाइस, ऑडियंस एक स्टार की सबसे बड़ा खुदा है, उसकी रोजी रोटी देने वाला रहता है। एंड जब कोई क्रिएटर या फिर कोई परफॉर्मर अपने ऑडियंस पे ही चढ़ जाए, देन गाइस उससे ना शुक्राना, उससे हराम खोर कोई नहीं होगा। जो नमक का एहसान भूल रहा है उस ऑडियंस के पैसे से, आप जहां हो वहां पर हो, एंड आप अगर ऐसी हरकत ऑडियंस को देखकर कहो, देन गाइज यू आर एन इडियट, एंड देवोलीना भट्टाचार्य जी इज वन सच पर्सन। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने कैमरा पे देखकर आज कहा है, तू करने क्या आया है शुक्ला? हाँ, पूरा दिन लेटा रहता है, आलसी साले मगरमच्छ, एक काम नहीं करता है। ऑडियंस, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमको दिखता है कि हम उसको टारगेट करते हैं, तुम गलत शो देख रहे हो। हम उनको टारगेट नहीं करते, वो हमको टारगेट करता है। यू आर वॉचिंग द रॉन्ग शो ऑडियंस, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। कभी भी अपनी ऑडियंस को बेवकूफ मत समझना, नंबर वन। चलो साइड में रखते हैं, बाथरूम में जब देवोलीना भट्टाचार्य जी रो रही थी एंड रश्मि देसाई उनके पास जाकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, उसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य जी ने जो तमाशा किया है यहाँ पर, शुक्ला हराम खोर है तू, शुक्ला कुत्ता साला कुत्ता, बीप 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 बीप, मैं वो गालियां बकना नहीं चाहूंगा, बीप 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 बीप, पूरा दिन सोता रहता है, खाली खाता है सोता है, हराम खोर, ये तुम बाथरूम में क्या, कहीं भी तुमको घर में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, झगड़ा तूने शुरू किया, तू वहां गई, उसको देख के हंस रही, आप मुझे बहुत पसंद हो, आप क्या करते हो? शुक्ला बेचारा भुर्जी रोटी खा रहा था, इसने उसको उंगली की, एंड उंगली के बाद जो एक गाली का सिलसिला शुरू हुआ, दिस वॉज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। लेकिन गाइस, बात करें अभी द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन की, असीम वर्सेस सिद्धार्थ, क्या हुआ ऐसा कि असीम सिद्धार्थ पे चढ़ गया, सिद्धार्थ असीम पे चढ़ गया? वेल फ्रेंड्स, असीम का कुछ तूतू में चल रही थी आरती के साथ, एंड वो बहुत आपे से बाहर चला गया। असीम ने ज्यादा ही चिल्ला दिया, एंड आरती ने भी बार बार शुक्ला को ये बात का एहसास दिलाया कि देख मैंने तेरे को बोला था ना, देख मैंने तेरे को असीम के बारे में बोला था ना। ये बात असीम को फ्रिक्शन हो गई, उसे ये बात पसंद नहीं आई। एंड गाइस, यहां पर शुक्ला ने बहुत कोशिश की,
लिटरली अगर कोई दूसरा बंदा होता तो शुक्ला शायद उसको धक्का देके उसे मारवा दिया होता, लेकिन असीम था वो, उसका दोस्त था, उसने बहुत कोशिश की, बोला कि अरे चुप हो जा यार, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा, लेकिन असीम था कि उसको चुप होने की यू नो ऐसा लग रहा था कि वो चुप होगा ही नहीं। एंड गाइस उसने इतना तक बोला, अबे चूतिए सुन, अबे सुन, अबे गधे सुन, तू चुप हो जा। एंड आरती भी बोल रही थी शट अप। एंड गाइस व्हाई द हेल वाज आरती फाइटिंग विद असीम, क्या वो पॉइंट दिखाना चाहती है? लेकिन शुक्ला यहाँ पर उसको शांत कर रहा था। सब लोग जो अपोजिट गैंग के मेंबर थे वो सब लोग यहाँ पर हंसी मजाक उड़ा रहे थे कि आरती और असीम इनके गैंग में अब झगड़ा हो गया है। यहाँ पर असीम कहता है, क्यों ब्रो, तू मुझे क्यों चुप करा रहा है? हाँ आरती और गिल जब तेरे साथ नहीं थे तब तो उन्होंने कहा था कि मुझे इन दोनों को लेकर ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन अब दोनों ने तुझे गले लगा लिया है तो अब तू उनपे विश्वास कर रहा है। तभी फिर से आरती कहती है, शुक्ला आई टोल्ड यू कि ये भरोसे लायक नहीं, आई टोल्ड यू। ये बात असीम को और फ्रिक्शन कर देती है। एंड गाइस खेसारी यहां बोलता है कि इन लोगों का पाप का घड़ा भर गया है। खेसारी के तो मैं बाद में आऊंगा, खेसारी लाल पे पहले ये कर देते हैं हम लोग कि इनका तो पाप का घड़ा भर गया है। पारस बोलता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, झगड़ने दे झगड़ने दे। ये झगड़ा हो जाता है, भाऊ बोलता है देखो क्या करना है, अपना तमाशा बनाना है या झगड़ा करके? नहीं ना, सब लोग देख रहे, मजे ले रहे, शांत रहे। सीता शुक्ला जाए कहता है असीम को, देख तेरी ईगो बहुत ज्यादा है, तुझे रिलैक्स करने की जरूरत है, यंग एज पर है, तुझे इतना बड़ा मौका मिला है, जस्ट रिलैक्स, तू अभी शांत हो जा। एंड आरती वहां से आती कहती है, आई स्वेयर ऑन माय ब्रदर, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन गाइस आज जो झगड़ा हुआ, यहाँ पे शुक्ला का बोलना भी सही था कि असीम बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और सुनने का नाम नहीं ले रहा था। असीम भी सही है क्योंकि आरती बार बार बोल रही है कि तूने मैंने तुझ पे एहसान किया था, वो टिट टू टैट था, इसने उस पर किया, उसने इसने किया। इसलिए गाइस ऐसे झगड़े दोस्तों में होते रहते हैं, ये बस ऑडियंस इतना ध्यान दीजिए कि असीम शुक्ला एंड आरती ऑल आर फ्रेंड्स, इसे ज्यादा ध्यान देने की इसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोलीना भट्टाचार्य जी ने जो तमाशा किया है उसकी जड़ों तक जाए तो देवोलीना भट्टाचार्य जी ही सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह से उंगली करना स्टार्ट किया था। एंड गाइस यहाँ पर उन्होंने जो टास्क रखा था वो था बिटवीन असीम, अरहान एंड विशाल। टास्क का नाम था वो स्नोमैन टास्क, इसमें लोग तीनों राक्षस बनेंगे। एंड गाइस राक्षस बन के इन तीनों के लिए गुफा होगी, असीम की गुफा, अरहान की गुफा, विशाल की गुफा। अब अरहान की गुफा में ये लोग पूरा सामान भरेंगे, ये बात तो सबको पता है, शुक्ला एंड गैंग। असीम की गुफा में सब लोग गोनिया भरेंगे, पारासन गैंग। बच गया यहाँ पे विशाल। अब कार्य ये है कि तीनों के लिए गुफा बनाई है, वो लोग आदमखोर बने हैं, जैसे हंसने की आवाज आएगी वो लोग तीनों बाहर आएंगे। वहां पे प्लेट्स रखी है घर वालों की, प्लेट लेंगे, प्लेट को तोड़ेंगे, जिसकी प्लेट टूटी वो कैप्टनसी के रेस से बाहर, जिन लोगों की प्लेट्स एंड में बचेगी वो कैप्टनसी के जो है रनअप में उसमें रहेंगे। एंड जिस आदमखोर ने सबसे ज्यादा प्लेट्स तोड़ी है, जो सबसे ज्यादा बाहर निकलने में कामयाब हुआ है, वो भी कैप्टनसी के दौड़ में लग जाएगा। यहाँ पे शुक्ला विशाल को पटाने की कोशिश करता है एंड पारस भी विशाल को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस यहाँ पर जो झगड़ा शुरू होता है, जो झगड़ा शुरू इस कारणवश होता है कि गाइस जो कार्य था स्टार्टिंग में वो कार्य था रोटी बनाने का, ठीक है, रोटी बनाने का नंबर वन एंड भुर्जी बनाने का नंबर टू, हम लोग उस पर बाद में आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल टास्क की बात करते हैं। टास्क में गाइस यहाँ पर शुक्ला विशाल को बोलता है कि तू हमारी बात सुन ले, हमारी मदद कर दे। पारस जी बोलता है विशाल को, तू भाई हमारी मदद कर ले। लेकिन गाइस यहाँ पर जैसे कार्य शुरू होता है, इन लोग सब असीम का भर देते हैं एंड यहाँ पर अरहान का भर देते हैं। विशाल भागते भागते बाहर आता है, सबसे बड़ी प्लेट वो तोड़ता है, वो है खेसरी की। कल गाइस बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है बिटवीन पिंपल एंड कांटा लगा, दोनों बहुत ज्यादा मारेमारी करने वाले, धक्कम धुक्की पे आ जाएंगे। एंड गाइस विशाल को सिद्धार्थ शुक्ला कहता है कि तू को अभी सेलेक्ट करना पड़ेगा दोनों में से एक ग्रुप। लेकिन गाइस जिनकी शुरुआत हुई ऑब्वियसली भाग 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 आया शेर उस गाने की शुरुआत हुई। एंड गाइस यहाँ पर सिड एंड गिल की जो दोस्ती थी उसके बाद सब लोग ने उनको पूछा कि दोस्ती हो गई क्या किया, तो गिल कहती है ये एक साइलेंट दोस्ती है। नज बलिए यहाँ पे गिल से कहता है कि तू एक स्ट्रांग प्लेयर है, तू स्ट्रांग तरीके से खेल। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोलीना भट्टाचार्य जी ने अपना गेम सुबह उठते शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊंगा क्यों उसने हराम खर बोला एंड क्यों ये झगड़ा हुआ। देवोलीना यहाँ से सुबह उठते ही पारस का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। एंड गाइस उसको कहती है कि गिल तेरे को है ना घंटा समझती है,
क्या समझती है, घंटा, उसके वर्ड सुनो एक औरत के, घंटा समझती है। जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तुझे घंटा समझ के चली जाती है। वो बहुत ही स्मार्ट है। एंड गाइस, पारसा कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गिल से, दानों वाली औरत है ना, दानों वाली औरत। वो माहिरा को दानों वाली औरत बोलता है, जो काफी हिलेरियस लगता है। सब लोग गाइस यहाँ पर विशाल और आरती जो है उनकी सेटअप करने की कोशिश करते हैं। गिल बोलती है कि आरती जो थी उसने कहा था कि विशाल मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे शादी भी कर लूंगी। लेकिन गाइस जब यहाँ पर खुशी का माहौल चल रहा है, तब गाइस यहाँ पे जो अंदर का साइकोपना है तीन महिलाओं का, यानी कि सेडिस्ट महिलाएं जो रहती है, वो जो रहती है ना पड़ोसन, ए हाय हाय मर जाए, हाय हाय इसका बच्चा हो जाए, वैसी जो महिला रहती है माहिरा, देवोलीना एंड मोमो, ये तीनों बैठ के इनकी जल रही थी, सुलग रही थी कि अरे हमको कोई क्यों नहीं शादी के लिए वो कर रहा है। एंड यहाँ पर दोनों बीच एटीट्यूड कर रही थी, विशाल जो है वो चिढ़ जाएगा ऐसा देवोलीना ने कहा। लेकिन गाइस आरती ने कहा मुझे लड़का पसंद है। एंड सब लोगों ने दोनों की सुहागरात करने की कोशिश की, गाना भी गाया विशाल ने कि सुहागरात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। लेकिन गाइस तीनों जो जोकर्स थे वो जेलस थे। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोलीना कहती है किसको, रश्मि देसाई को, ए तू है ना अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड क्यों नहीं करती मोमो, हाँ तेरी चटनी के साथ तू अपने रिलेशनशिप कर दे ना। और उसके बाद देवोलीना, देखो गाइस देवोलीना भट्टाचार्य है सीरियस इश्यूज, वो छुरी लेकर आती है और वो ऐसा करती है, आ मैं तेरी मांग भर देती हूँ मोमो, उसकी मांग भरती है। कौन बंदा घर में छुरी लेके आके ऐसी हरकत करता है, उसने पहली भी दिन भी उसको छुरी दिखाई थी। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोलीना जो है वो चाकू लगा कर सर पर चली जाती है। एंड गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा झगड़ा शुरू होता है मोमो जब बोलती है कि यू नो अरे कोई बात नहीं हम लोग नाश्ता बना लेंगे। देवोलीना भट्टाचार्य जी कहती है तू मदर इंडिया मत बन, अब सिड को यह प्रॉब्लम है कि उसके लिए अंडे की भुर्जी क्यों बनाए। यहाँ पे अरहान जो है पूरा पक्का वॉचमैन स्टाइल में वहां खड़ा है कौवा बिरयानी, और वो यहाँ पे भुर्जी बना देता है और रोटियां बना देता है। आप सीता शुक्ला बोलता है कि हम लोग को भुर्जी नहीं खाना है, तूने क्यों बनाया। वॉचमैन बोलता है मैं यही करते रहूंगा, कितना के लोग अलग अलग के लिए खाना बनाऊ, हाँ खाना बना दिया है। उसके बाद सिद्धार्थ को जो टमाटर काटने के लिए लगा देते हैं, देवोलीना कहती है कि साफ सुथरे लोग जितने भी है प्लीज खाना निकालने के बाद खाने को ढक के जाइए, कवर करके जाइए। एंड यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि यू नो देखो कांदा काटा साफ किया क्या, नहीं किया ना, कांदा जैसा कटा हुआ है वहीं पर है, हम लोग को क्यों टॉन्ट मार रही है, साफ सुथरे तेरे गैंग के लोग भी कांदा काटते हैं, वो तो तुम लोगों ने साफ नहीं किया। और फिर वहां से झगड़ा होना शुरू हो गया। यहाँ पे शुक्ला कहता है मेरी जिंदगी में तुम नहीं हो तो क्या होगा, मेरे पूरा गेम तुम पे निर्भर है, देसाई को मस्ती मस्ती में कहता है। एंड मोमो कहती है चलो अब तो तुमने सच बोला। अब गाइस यहाँ पर केसारी और सिड का झगड़ा हुआ अननेसेसरी था। केसारी बोलता है अरे हमारे लिए चार ठो रोटी बना दो। शुक्ला बोलता है अच्छा क्या बोला तुमने, प्लीज हिंदी में बात करो। कब खेसारी बोलता है अरे तुम पूरा दिन इंग्लिश में बात करते रहते हो तो हम कुछ बोले हैं क्या, काहे को इतना बड़ा इशू बना रहे हो, हाँ तुम्ही को तो खाली रोटी खाना है, चावल तो तुम्हें खाना ही नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है तो इतनी प्रॉब्लम है तो बिग बॉस को बोल दे इसको सिर्फ रोटी खाने का है चावल नहीं खाने का, मुझे घर से निकाल लो। बोलता नहीं नहीं चावल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चावल कौन इंग्लैंड से आता है, चावल तो इंडिया से ही आता है, हाँ अग्रेसिव मत हो नॉर्मल रहो। और इसमें कुतिया कौन, माहिरा, इतना बिची कोई औरत कैसे हो सकती है, मैन खून खून में बिचीनेस भरा हुआ है, हंस रही है वो। खेसारी बोलता है तुमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। शुक्ला बोलता है मेरे को प्रॉब्लम है जाने देना, तुम इस बात क्यों कर रहे है। बोलते फेक हंसी मत हंसी है, समझ में आया। फिर से गाइस सब लोग इंडिविजुअली शुक्ला को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। केसरी टारगेट कर दिया, उसके बाद उन्हों मोमो ने टारगेट कर दिया सुबह सुबह, एंड पॉटलीना ने तो ऑब्वियसली टारगेट कर लिया। अब गाइस पॉटलीना की मस्ती देखो, जो संडास में फेक रो रही थी उसने क्या हरकत की, इसके वजह से वो खुद भड़क गई, खुद के पैर पर डंडा मार दिया, सॉरी खुद के पैर पर मोमो मार दिया। और गाइस देवोलीना कहती है शुक्ला कैसे हो, क्यों झगड़ते रहते हो, कभी हंसा भी करो। हाँ शुक्ला खा रहा है उसकी मजे कर रही है मुंह पे रखे। पारस पूछता है कितने अंडे का तूने भुर्जी बनाया। अबे पारस तेरे जो अंडे तू सर पे लगाता है बाल उगाने के लिए या फिर खाता है को देखो पूछता है क्या। अभी शुक्ला बोलता है देख असीम ने बनाया है मेरे लिए अंडे, उसको मालूम है वो भी नहीं है फिलहाल, तू अपना अपना काम कर यहाँ पर, समझ में आया यहाँ पे। एंड तू क्या शान पट्टी करता रहता है, मैं बैंक करप्ट हो गया हूँ, तू तो बहुत बड़ा आदमी है ना, सलमान सर के सामने बोला ना, ये सब दोनों भिड़ जाते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोलीना कहती है कि एक ही स्टेटमेंट में शुक्ला सबकी लेना चाहता है। शुक्ला कहता है कि देवोलीना इज अ डम बैस, आई डोंट केयर अबाउट हर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसको इंस्टिगेट कर देती है। एंड आरती कहती है सब लोग तेरे से जेलस है। शुक्ला कहता है असीम को कि असीम तो क्यों भाग गया ऐसे, हाँ देखो असीम सीधा सीधा था, वो खड़ा था टॉवल पहन के, जैसे झगड़ा शुरू हुआ असीम भाग गया,
अब इसकी चाबी शुक्ला को किसने पीना है? आरती ने। आरती का क्या प्रॉब्लम है असीम से मेरे को पता नहीं है, लेकिन आरती कहती है कि देख असीम वहां से भाग गया। शुक्ला कहता है असीम को क्यों भाग गया तू वहां से? हाँ असीम बोलता है मैं टॉवल पहन के खड़ा था, मेरे को नहाना था, मैं नहाने के लिए चला गया। शुक्ला फिर से असीम को चिल्लाता है एंड यहाँ पर असीम बाहर चला जाता है अंडों का हिसाब देने के लिए। वहां पे पारस को पूछता है कि तू अंडा कितना बनाया? असीम बोलता है मैं तेरे अंडे गिनता हूँ क्या, तू मेरे क्यों गिन रहा है पे? हाँ आरती फिर से बोलती है देख असली असीम जो है वो पतली गली पकड़ के चला गया है। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोली ने चिल्लाती है, कहती है कि शुक्ला खुद टारगेट बनना चाहता है। हाँ एंड शुक्ला यहाँ पे वापस बैठा रहता है तो असीम आता है उसके पास, कहता है कि देख ब्रो तू है ना यहाँ पे आरती की बात मत सुन, आरती जो मेरे बारे में तेरे को बोल रही है। शुक्ला बोलता है देख मैं बहुत गुस्से में हूँ, तू भाग गया वहां से ये मेरे को बहुत बुरा लगा। अब गाइस देवोलीना भड़क जाती है, कहती है कि शुक्ला यहाँ पे क्या काम करता है? कुछ काम नहीं करता। हाँ देवो बोलता है शुक्ला क्या किया आज तक, शुक्ला ने घर में आज तक क्या किया? तो शुक्ला आता भारा के बोलता हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो झक मरा रहा हूँ ना घर पे। हाँ शुक्ला पोटली ना बोलती है ये फेक हंसी है ना अपने पास रखो, समझ में आया? शुक्ला बोलते है अगर देखो फेक हंसी मेरी नहीं है, फेक हंसी तेरी है, जो तो अपनी सीरियल में करती है ना तो अपने पास ही रख। फिर यहाँ पर शुक्ला के पास विशाल आया, शुक्ला उसको समझा रहा था देखो कार्य में ऐसा सा होता है टास्क के टाइम पे ना माहिरा भी अपना काम नहीं करती है। सडनली आवाज आई ए मेरे बारे में मत बोलना, मेरे बारे में मत बोलना। माहिरा यहाँ पर भिड़ गई एंड कह रही थी कि मेरा नाम अगली बार मत लेना। शुक्ला ने भी पलटवार किया एंड कहा कि मैं तेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे शट अप, मैं उधर से बात भी नहीं करनी है। एंड माहिरा कहती है तमीज मेरे। लेकिन गाइस यहाँ पर देवोली ना कहती है कि शुक्ला अंधा है, काम नहीं करता है, हम उसके नौकर है क्या? हाँ तू क्या करने के लिए आया है? शुक्ला आलसी मगरमच्छ, ऐसा करके वो पूरा का पूरा नाटक कर देती है। और फ्रेंड्स आज के दिन की समरी मैं अगर आपको दूं तो सिंपल है, कल देवोली ना भट्टाचार्य को सब लोगों ने बोला कि वो आलसी है, काम नहीं करती है, इसलिए इन शॉर्ट उसने आज शुक्ला के साथ झगड़ा कर लिया। किसी भी आदमी को मगरमच्छ, आलसी, हरामखोर कहने से पहले कोई भी औरत दो बार सोचेगी। एंड नेशनल टेलीविजन पर जब किसी आदमी को हरामखोर बोल सकते हो, छुरियां लेकर आ सकते हो, फेक मी टू कैंपेन लगा सकते हो, आपकी मानसिक स्थिति कितनी खराब है ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आरती को असीम से क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर शुक्ला आरती की बात न सुनते हुए सिर्फ असीम पे विश्वास रखे, क्योंकि जब आरती एंड शहनाज नहीं थे तो असीम ही उसका हमराज बना था, तो आई थिंक अब शुक्ला को बात याद रखनी चाहिए। असीम को भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बात चिल्ला के नहीं की जा सकती, शांत रहना पड़ता है। कहते हैं ना दो घरों में झगड़े होते हैं तो आवाज नीचे रख के अपने घरों में बात सुलझ जाए तो अच्छा है, वरना पड़ोसी सुनेगा तो पड़ोसी मजे ही लेगा। विशाल को यहाँ पे दिमाग लगाकर खेलना पड़ेगा कि वो किसकी गैंग में है, क्या वो यहाँ पे शुक्ला की गैंग में है या फिर पारस की गैंग में है, ये वो जल्दी डिसाइड कर ले तो गेम में क्लैरिटी मिल जाए। अरहान यहाँ पे फिलहाल टाइम पास कर रहा है, खेसारी ने आज कुछ यू नो इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की जो काफी अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट उसने झगड़ा तो किया बेचारे ने, वरना वो बात भी नहीं करता था। शेफाली यानी कांटा लगा इस टर्निंग आउट टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, कल वो माहिरा के साथ यानी कि पिंपली के साथ फुल ब्राउंड भिड़ जाएगी। मोमो एज यूजुअल कुछ काम कर नहीं रही है, वो बस अपने आंखों में काजल लगा रही है, बाल खोल रही है एंड बैठ बैठ के पराठे खा रही है। बात करें अन्य कंटेस्टेंट्स की तो गाइज शहनाज आज दिखी नहीं ज्यादा भी, वो बैठी हुई थी शुक्ला के पास, हिमांशी ऑब्वियसली बीमार है, भाव भी ज्यादा दिखा नहीं आज। ऑल इन ऑल आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने आ गए एंड गाइज इतना तो पक्का हो गया है कि अब देवोली ना भट्टाचार्य जी फुल पागल हो चुकी है एंड कभी ना कभी वो शुक्ला पे पंजा मारेगी। अब देखने लायक ये है कि शुक्ला पंजा मारने पर उसे गंजा करता है या नहीं करता, या फिर उसे मोमो खिलाता है। ओके गाइस एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अमर अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, वोटिंग लाइन थर्सडे 11:30 तक वोटिंग कीजिए, टिल देन डू व्हाटएवर यू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, गुड नाइट।